हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर्म्स फॉर यू में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ग्रुप सी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो आपको हेल्प करेगा आगे आने वाले ग्रुप सी या स्टेट लेवल किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के और करंट में जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये है ग्रुप सी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स अगर देखा जाए तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर ये था और 2 आवर्स का टाइम इसमें दिया गया था। यहाँ पे 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन जो है आपका एक नंबर का होगा। तो चलिए देखते हैं कि ग्रुप सी के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है आगे, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 मार्च को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। जमुनापारी किस की नस्ल है? तो जमुनापारी जो है बकरी की एक नस्ल है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन खून का थक्का बनने के लिए चाहिए? तो विटामिन के, ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का इसलिए बना होता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसे भारत का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? तो इसका ऑप्शन है आंसर डी, अजीत कुमार डोभाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2015 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके जो मुख्य अतिथि थे 2015 के थे बराक ओबामा, जो क्या है यूएसए के प्रेसिडेंट रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान जो है वो स्थित है देहरादून में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिम कॉर्बेट संग्रहालय स्थित है? तो जिम कॉर्बेट जो संग्रहालय है वो है कालाढूंगी में स्थित। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग स्थित है? तो यानी कि SCERT कहाँ स्थित है? तो SCERT जो स्थित है वो है देहरादून में। सरयू नदी के किनारे कौन से नगर स्थित हैं? तो सरयू नदी के जो किनारे स्थित हैं कपकोट और बागेश्वर शहर स्थित हैं। अनुसुईया देवी का मंदिर स्थित है? तो अनुसुईया देवी का जो मंदिर स्थित है वो है चमोली में, जिस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, सही युग्म का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, यहाँ पे मंदिरों के नेम दे रखे हैं। धारी देवी श्रीनगर के नज़दीक में है, नैना देवी नैनीताल में है, नीलकंठ महादेव पौड़ी गढ़वाल में है। तो उपरोक्त सभी कथन इसके क्या हैं, सत्य हैं। जागेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है? तो जागेश्वर मंदिर समूह जो है वो स्थित है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा जनपद में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गणनाथ गुफा मंदिर स्थित है? तो गणनाथ गुफा मंदिर स्थित है ताकुला के नज़दीक अल्मोड़ा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हैदराबाद कितने सालों के लिए 29वें राज्य तेलंगाना की संयुक्त राजधानी है? तो हैदराबाद जो है आपका आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बनाई गई है, और ये बनाई गई है 10 साल के लिए। तो इसलिए इसमें ऑप्शन कोई भी करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2013 में जो था तेलंगाना राज्य बना था 29वां हमारे देश का। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पहली मोनोरेल का उद्घाटन किया गया? तो भारत के किस शहर में पहली मोनोरेल का उद्घाटन किया गया? मुंबई में किया गया, जो जिसका उद्घाटन 2014 में किया गया था। पृथ्वीराज चौहान उस टाइम उस वहाँ के मुख्यमंत्री थे, और अभी करंट में जो हैं वो हैं उद्धव ठाकरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए गए देशों में किसके लिए अपनी पहली यात्रा की थी? तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे उस वक्त उन्होंने सबसे पहले जो देश की यात्रा की थी वो थी भूटान की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर भारत का केरोसिन मुक्त शहर बना है? तो केरोसिन मुक्त शहर अभी हाल में चंडीगढ़ भी बन चुका है और दिल्ली भी बन चुके हैं, इसके अंतर्गत काफ़ी शहर आ चुके हैं। लेकिन पहले जब ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उस वक्त इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता को 2013 के लिए प्रतिष्ठित गांधी पुरस्कार दिया गया? तो चंडी प्रसाद भट्ट जो एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को किस प्रदेश ने बागवानी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो महाराष्ट्र ने अमिताभ बच्चन को क्या एक बागवानी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाई एल्टीट्यूड
प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर स्थित है, तो ये श्रीनगर में स्थित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2015 में कहाँ हुआ था? तो G20 जो शिखर सम्मेलन है 2015 में तुर्की में हुआ था, और 2021 में इटली में होगा, 2022 की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया में होगा, और 2023 में जो होगा भारत में होगा। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा किस प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर है? तो सानिया मिर्जा तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर है। अगला क्वेश्चन है, दून विश्वविद्यालय स्थित है? तो दून विश्वविद्यालय देहरादून में ही स्थित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की जो मुद्रा है वो है रियाल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो आतंकवादी जो विरोध दिवस है वो मनाया जाता है 21 मई को, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी सेकंड मिसाइल है, सतह से वायु पर मार करने वाली एक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 29 है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO का जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व धरोहर समिति का 38वां सत्र किस देश में आयोजित किया गया? तो जो विश्व धरोहर समिति का आयोजन किया गया था 38वां, वो किया गया था कतर में। इसके बाद है, कुंडन कुलम बिजली उत्पन्न करने वाला भारत का पहला परमाणु बिजली संयंत्र बन गया है। तो ये 1000 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करने वाला बिजली संयंत्र बना हुआ है, पहला परमाणु बिजली संयंत्र बना हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन पेपर में सभी टाइप के क्वेश्चंस हैं, साइंस से रिलेटेड भी हैं, उत्तराखंड GK भी है, और करंट अफेयर्स भी हैं, तो इसलिए आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सतोपंत ग्लेशियर स्थित है? तो सतोपंत जो ग्लेशियर है वो है गढ़वाल हिमालय में। अगला क्वेश्चन है, बैजनाथ का प्राचीन नाम है? तो बैजनाथ का जो प्राचीन नाम है वो है ब्रह्मनाथ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रामबाड़ा सोनप्रयाग व तिलवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है रामबाड़ा, सोनप्रयाग और तिलवाड़ा। मैत्रीपाल सिरीसेना कहाँ के राष्ट्रपति है? तो मैत्रीपाल सिरीसेना जो थे पहले रहे हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, ICC 2015 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। लोहाघाट के समीप कौन सा आश्रम स्थित है? तो लोहाघाट के समीप जो स्थित है मायावती आश्रम स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पेशेवर कांड के जो हीरो थे वो कौन थे? तो वो थे वीरचंद सिंह गढ़वाली, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, WWW का विस्तृत रूप है? तो WWW का विस्तृत जो रूप है वो है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? तो ये है पौड़ी गढ़वाल में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतखंड संगीत महाविद्यालय स्थित है? तो ये है अल्मोड़ा में स्थित, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड में साधुओं का शहर, ठीक है, साधुओं के शहर को जाना जाता है, ऋषिकेश को साधुओं के शहर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नैनीताल जनपद में कौन सा उद्योग स्थित है? तो नैनीताल जनपद में जो स्थित है वो है HMT यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स स्थित है, लेकिन अभी यहाँ पर इस पर आप कोई वर्क नहीं होता है, बंद पड़ी हुई है फैक्ट्री, आप सभी को पता होगा, ये रानीबाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना है? तो कोटेश्वर जो बांध है वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कोठार बांध किस नदी पर बना है? तो कोठार बांध है कोसी नदी पर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? तो इसकी रचना बंकिमचंद चटर्जी ने की थी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, 2014 फीफा विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? तो 2014 में जो फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी वो की थी ब्राजील ने, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 48 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है, गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से जाना जाता है? तो नक्कटी रानी के नाम से जो जाना जाता है रानी कर्णवती को जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2014 में उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राजजात यात्रा प्रारंभ हुई थी, 18 अगस्त 2014 में हुई थी, अब जो होगी ये होगी 2024 में, यानी कि हर 10 साल में नंदा राजजात यात्रा का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, सूची में मिलान कीजिए, तो इसमें से हमें मिलान करना है। देखिए, बीसू मेला की अगर बात करें तो बीसू मेला जो होता है चक्राता में लगता है, चंद्रमदनी मेला की अगर हम बात करें तो चंद्रमदनी मेला टिहरी में लगता है, अगर हम बात करें रानीबाग मेला तो रानीबाग मेला जो है आपका लगेगा
नैनीताल जनपद में, ठीक है। और हथकालिका मेला जो है पिथौरागढ़ में लगता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए मिलान करना है फिर से। खानपुर देखिए हरिद्वार में स्थित है, बेरीनाग पिथौरागढ़ में स्थित है, नंदप्रयाग चमोली में, और पन्नगर की अगर हम बात करें तो उधम सिंह नगर में ये स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी स्थित है, तो चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी जो है उत्तरकाशी में स्थित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए किस प्रकाश वर्ण की चाल कांच में न्यूनतम होती है, तो कांच में जो न्यूनतम चाल होती है वो बैगनी रंग की होती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मरीचिका किसका उदाहरण है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो एलपीजी का जो मुख्य घटक है प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ब्यूटेन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में है, तो इनमें से जो पांच महल अकबरी महल जोधाबाई महल है सभी फतेहपुर सिकरी में स्थित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित में से आश्रम में सबसे पुराना आश्रम क्या है, मायावती आश्रम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है नाना साहब के सलाहकार कौन थे, तो नाना साहब के जो सलाहकार थे वो थे तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन है दीन बंधु मित्रा से संबंधित किताब है, तो नील दर्पण जो है दीन बंधु मित्रा से संबंधित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे, तो उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्य सचिव थे वो थे अजय विक्रम सिंह रावत, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड से कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो ये सभी कालू मेहरा, जयनंद भारती, खुशीराम आर्य, ये सभी क्या थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उत्तराखंड से। क्वेश्चन नंबर 63 है उत्तराखंड से किनका संबंध है, तो उत्तराखंड से टिंचरी माई का भी संबंध है, गौरा देवी का भी संबंध है, तो ए और बी इसके करेक्ट आंसर होंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत का प्रथम उपग्रह क्या था, तो भारत का जो प्रथम उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। मदरसा इनका स्कूल है, तो मदरसे में मुस्लिम्स की पढ़ाई होती है, तो मदरसा है मुसलमानों का स्कूल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है एशियाई खेलों में हॉकी का आरंभ हुआ था, तो इसका आरंभ हुआ था टोक्यो से 1958 में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्तराखंड स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड जो स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है वो है देहरादून में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 है उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, तो उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो है फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 70 है डॉक्टर आर एस बिस्ट को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, तो इनको पुरातत्व विभाग में एक पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। डाक टिकट को नंदा राज जात पर आधारित है कब प्रथम बार प्रकाशित किया गया था, अगस्त 2013 में किया गया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, उसे किस और नाम से जाना जाता है, तो इसको हिमालयन मोर के नाम से भी जाना जाता है, हिमालयन मयूर से बोला जाता है। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए, तो रूपकुंड चमोली, हेमकुंड चमोली में है, खेराताल उधम सिंह नगर में है, तो इसमें से जो आपके करेक्ट आंसर हैं वो है रूपकुंड चमोली में स्थित है और हेमकुंड भी चमोली में स्थित है, खेराताल उधम सिंह नगर में नहीं है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए और बी होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य सभा का सदस्य है, तो इसमें से देखिए उत्तराखंड राज्य के जो राज्यसभा सदस्य रहे वो तीनों ही रहे हैं, तो अब पहले जब रहे थे जिस टाइम में क्वेश्चन पेपर पूछा गया है ए और सी इसका करेक्ट आंसर था। सही सुमेलित कीजिए, तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर में देखिए दिया गया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत रहे, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, और अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्तराखंड के प्रथम न्यायाधीश ए देसाई, तो ये सभी कथन सत्य हैं, ठीक है, तो इसका उपरोक्त सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हिंदी सब्जेक्ट से, अब आप यहाँ पर क्वेश्चंस देखिए, आपको यहाँ पर सेंटेंस को सही सीरीज में लगाना है, सीक्वेंस में, कि कौन सा सेंटेंस किसके बाद आएगा, तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन पेपर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर पूछा जा रहा है, और यहाँ पर देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 85 तक के क्वेश्चन इस तरीके के हैं, और उसके बाद आपको एक पैसेज दिया जाएगा और पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे।
तो ये था ग्रुप सी का पेपर जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके क्वेश्चन पेपर सीरीज के साथ। आप हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे चैनल पर नए हैं, आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपको इस पर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और भी पेपर्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।